दुश्मनों अब खबरदार हो जाओ, क्योंकि सेना के जांबाज तैयार हैं हर उस चुनौती से निपटने के लिए जो अक्सर बॉर्डर वाले इलाकों में दिखाई देती है। जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस की तारीख यानी कि 15 अगस्त नजदीक आ रही है, ठीक वैसे ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में नजर आ रही हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सेना के जांबाजों ने मोर्चा संभाल रखा है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान से सटे राज्यों में सीमा पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान के बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल ने अपनी नफरी में इजाफा किया है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बेस कैंप पर लड़ाकू विमान MiG-29 की तैनाती की गई है। पहले यहां MiG-29 की तैनाती थी। लड़ाकू विमान MiG-29 MiG-21 से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस इंडियन एयरफोर्स के ट्राइडेंट स्क्वाड्रन को उत्तर के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। MiG-21 की तुलना में MiG-29 के कई फायदे हैं, जो कई सालों तक कश्मीर घाटी में अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र की सफलतापूर्वक रक्षा करने में सक्षम थे। और 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी शिविरों पर F-16 को मार गिराने में भी कामयाब रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अपग्रेड करने के बाद MiG-29 को बहुत लंबी दूरी में हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों से भी लैस किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बेस कैंप पर MiG-21 लड़ाकू विमान की जगह MiG-29 लड़ाकू विमान तैनात किए जाने के संबंध में भारतीय वायुसेना के पायलट स्क्वाड्रन लीडर विपुल शर्मा ने बताया कि श्रीनगर कश्मीर घाटी के मध्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई मैदानी इलाकों से अधिक है। The श्रीनगर एयरफील्ड lies in the center of the Kashmir Valley and its general elevation is more if we compare it to planes. So strategically it is better to place an aircraft which is higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border and is also equipped with better avionics as well as long range missiles and air to ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria. खास बात यह है कि MiG-29 ने इसी साल जनवरी में श्रीनगर हवाई अड्डे पर और लद्दाख सेक्टर के साथ साथ कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर उड़ान भरी थी। यहाँ वो चीन की ओर से हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के किसी भी प्रयास को विफल करने में सार्थक हैं। MiG-29 की तैनाती के साथ साथ भारतीय वायुसेना की गरुड़ विशेष बल के जवानों को भी तैनात किया गया। तस्वीरों में सेना के जाबाजों की सक्रियता साफ तौर पर देखी जा सकती है। साथ ही भारतीय जवानों ने कई घातक अभ्यास भी शुरू किए हैं। भारतीय जवानों की गतिविधियों में हुई तेजी को लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चिंता देखी जा रही है। भारतीय जवानों की यह सक्रियता 15 अगस्त को लेकर बढ़ाई गई है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लाल किले की घेराबंदी शुरू हो गई है और जमीन से लेकर आसमान और पीछे से यमुना के रास्ते भी घुसपैठ को रोकने के लिए अवैध किले की तरह इसकी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।